हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वैसे गठबंधन की सरकार चलाने में हरियाणा को आप सबसे सुरक्षित राज्य समझ सकते हैं, क्योंकि 1982 से अब तक यहां 3 बार गठबंधन हुआ है और तीनों ही बार सरकार ने शांति से अपने कार्यकाल को पूरा किया है। हरियाणा में इन दिनों दो चीजें ही सुनाई देती हैं, या तो गठबंधन की सरकार ज्यादा नहीं चलेगी या फिर ये सरकार प्रदेश के हित के लिए है और विकास के लिए ही काम करेगी। आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कौन सी पार्टी किस तरह की बात बोल रही है। हालांकि हरियाणा उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां गठबंधन की कहानी खराब नहीं रही। यहां तो 1982 के बाद से जो भी गठबंधन हुए उनका कार्यकाल काफी शांतिपूर्ण रहा था। 1982 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 36 सीटें तो जीत ली, मगर बहुमत का आंकड़ा नहीं पा सकी। तब तत्कालीन गवर्नर जीडी तापसे ने बीजेपी और लोकदल गठबंधन को पहले सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, क्योंकि दोनों पार्टियों का गठबंधन चुनाव से पहले हुआ था और इस लिहाज से वो सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन इन दो पार्टियों के पास भी कुल मिलाकर 37 सीटें ही थी। उस समय कांग्रेस ने 16 निर्दलीय विधायकों को साथ लेकर तुरंत सरकार गठित कर ली थी और भजन लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि इसके बाद लोकदल और बीजेपी के गठबंधन को 1987 के चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल हुई थी। कुछ ऐसा ही माहौल 1996 के चुनावों के समय हुआ, जब हरियाणा विकास पार्टी बाकी पार्टियों को चौंकाते हुए 33 सीटों पर जीत हासिल कर गई। इस पार्टी के संयोजक बंसीलाल थे। दूसरी तरफ जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी ने 24 सीटें हासिल कर ली। हैरानी की बात तो ये थी कि बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली थी। बीजेपी ने 11 सीटें जीती थी तो कांग्रेस को मात्र 9 सीटें ही मिल पाई थी। हालांकि बाद में हरियाणा विकास पार्टी ने बीजेपी की 11 सीटें लेकर गठबंधन की सरकार बना ली और विकास पार्टी के ही बंसीलाल सीएम बन गए। मगर सन 2000 के विधानसभा चुनावों में इनेलो ने 47 सीटों पर शानदार जीत हासिल की। सन 2009 का चुनाव भी काफी दिलचस्प रहा था, क्योंकि ये दूसरी बार था जब निर्दलीय उम्मीदवारों ने सरकार बनाने में खास भूमिका निभाई थी। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा बतौर सीएम अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे और उन पर कुर्सी बचाने का जबरदस्त दबाव था। कांग्रेस को भी सिर्फ 40 सीटें ही मिली थी, मगर इनेलो और बीजेपी के अंतर्कलह की वजह से कांग्रेस को निर्दलियों का पूरा समर्थन मिल गया और हुड्डा दोबारा प्रदेश के सीएम बन गए। ये सरकार भी बाकी सरकारों की तरह अपना कार्यकाल बड़े आराम से पूरा कर गई। 2019 और 2009 के चुनावों में सिर्फ पार्टियों के नाम का फर्क है। बीजेपी के पास आज 40 सीटें हैं, 2009 में कांग्रेस के पास भी इतनी ही सीटें थी। उस समय भी 7 निर्दलीय विधायक जीते थे और इस बार भी 7 निर्दलीय विधायक अपनी अपनी सीट से जीत कर आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार जेजेपी नाम की संजीवनी ने बीजेपी की सरकार बचाने में मदद कर दी, जबकि कांग्रेस हाथ मलती रह गई। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अब जेजेपी पर जनमत को अपमानित करने का आरोप मढ़ रही है। प्रदेश ने जहां जिम्मेवारी दी है वहीं जवाबदारी भी दी है और ये विश्वास है कि एक एक कदम जो आने वाले भविष्य के 5 साल में उठाया जाएगा इस जिम्मेवारी के साथ, वो प्रदेश को प्रगति और उन्नति के पथ पर ले जाया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर जी और मैं मिलकर प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। आप सबको त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतिहास तो कुछ ऐसा भी कहता है कि जिसने भी आज तक गठबंधन किया है अगले चुनावों में उसकी सरकार पूरी तरह से हारी है। मगर हो सकता है कि अब ये चीज मायने न रखे, क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी अपने लिए सारी चीजें तैयार करके रखती है। हालांकि इतिहास को देखते हुए इस बात से कांग्रेस काफी खुश होगी कि शायद आने वाला समय उसका हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फिलहाल के इतना ही, नमस्कार।